नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसादव से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर, जहां पर अंदर नीतीश कुमार और लालू प्रसादव की मुलाकात चल रही थी। तेजस्वी यादव जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अंदर मौजूद थे। आपको बता दें, कल ही वे बेंगलोर से लौटे हैं। बेंगलोर में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार का संयोजक बनना तय है। हालांकि आज नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये साफ साफ कह दिया कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं कि तमाम जितने गैर भाजपाई दलें हैं वो सभी एक साथ आ जाएं, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। और अगले साल जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार कई बार कहते भी रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव हो, इस साल भी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, चुनाव कभी भी करा सकती है केंद्र सरकार। इस बात की आशंका नीतीश कुमार जाहिर करते हैं। और नीतीश कुमार जब मुलाकात करने पहुंचे हैं लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, ये बड़ी मीटिंग हुई है। लगभग आधे घंटे तक मुलाकात अंदर चली है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं, रवाना हुए हैं अपने घर, एक अनिमाग चले गए हैं। आज ही नीतीश कुमार मलमास मेले का उद्घाटन करने पहुँचे थे। आपको बता दें, पक्की खबर है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने बातचीत हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बिहार में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल है उसमें कई सारी जगहें खाली हैं। आपको बता दें, पहले कार्तिकेय सिंह जो कि कानून मंत्री बनाए गए थे बिहार के, जब वो विवादों में आए उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा जब वे विवादों में आए। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ ही खूब बोलने लगे, ताने कसने लगे, उसके बाद विवाद बढ़ता गया। इसके बाद सुधाकर सिंह से भी इस्तीफा लिया गया, सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया। हालांकि खबर यह थी कि सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद 2 सीटें खाली हुई। कांग्रेस को भी मंत्रिमंडल में 2 और सीटों की उम्मीद है। हालांकि चर्चा है कि 1 सीट मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कोटे में भी जा सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में जल्द हो सकता है। आपने देखा कैसे संतोष सुमन, जो कि तनम मांझी के बेटे थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब उन्होंने महागठबंधन से उनका मोह भंग हुआ, जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। और रत्नेश सदा बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हुए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग का उन्हें पदभार दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास पर। देखिए कैसे अब से कुछ देर पहले ही लालू प्रसाद अंदर मौजूद थे, लालू प्रसाद मिले हैं, तेजस्वी यादव मिले हैं, और तेजस्वी यादव भी अब से कुछ देर पहले निकल के गए हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद की मुलाकात हुई नीतीश कुमार के साथ देर शाम को, लगभग शाम के अगर हम बताएं आपको तो 7 बजने ही वाले हैं, अभी 7 बजे नहीं है। नीतीश कुमार अपने घर जा चुके हैं, लालू प्रसाद से मुलाकात हुई है, लगभग 3 घंटे तक मुलाकात हुई है। और आप समझ सकते हैं ये मुलाकात अपने मायनों में खास है, क्योंकि बिहार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्या आरजेडी की ओर से नाम तय कर लिए गए हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी की ओर से नाम तय हो गए होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद भी अंदर हैं, तेजस्वी यादव भी अंदर हैं। तो जो तमाम नामों पर चर्चा हुई होगी, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्या नाम सच में नीतीश कुमार को सौंप दिए गए हैं? क्योंकि चर्चा है, हकीकत है, आने वाले एक सप्ताह के भीतर ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बात तय है। नीतीश कुमार की मुलाकात हुई लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी से कौन कौन मंत्री बनेंगे, कांग्रेस से किनका नाम होगा, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।